अनदर एस्पेक्ट इज़ अबाउट सिली मिस्टेक्स। देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया लेकिन सर मेरे मुझसे सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, 2+3 करना था 2×3 कर दिया। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नेवर गेट सो ऑब्सेस्ड विद सिली मिस्टेक्स। आप सिली मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली वो सिली हैं। देखिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको 2+3 करते ना आता हो, लेकिन 2+3 की जगह 2×3 हो जाना ये हम फिजिक्स की भाषा में बोलो तो ये सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ये रैंडम एरर है और आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। इवन AIR 1 डज सम सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स, सभी करते हैं, लेकिन आपको जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है अपने कंटेंट डेवलपमेंट। जनरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स आर सो ऑब्सेस्ड विद सिली मिस्टेक्स कि, और मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि क्या आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे आप जितना फोकस करते हैं, नो डाउट उनका वेटेज IIT में 50% है मिलाकर, पर क्या आप इलास्टिसिटी जैसा छोटा चैप्टर या एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन जैसा छोटा चैप्टर भी उतनी ही शिद्दत से तैयार करते हैं? सो कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्टेंट रादर देन सिली मिस्टेक्स। 2011 की बैच में एक स्टूडेंट था हमारा, वी आर एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट रैंक फ्रॉम हिम कि वो तकरीबन 1000 के आसपास रैंक निकालेगा और काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन जब IIT का पेपर हुआ तो उसकी रैंक आई 5000 के बाहर। तो जब व्हेन वी सेट टुगेदर, मैं उसके साथ बैठा कि प्रॉब्लम कहाँ रही, तो उसने बताया कि सर देखिए मुझे सब मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मेरी कितनी सिली मिस्टेक्स हो गई। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ठीक है, सिली मिस्टेक्स आर ओके, बट कहीं ना कहीं अभी भी हमारा उतना अटेम्प्ट नहीं हुआ है या हम हर चैप्टर पे उतना बेहतर ढंग से नहीं कर पाए। देन आई सजेस्टेड हिम टू टेक अ ड्रॉप, मैंने उसे ड्रॉप सजेस्ट किया एंड ही टूक ड्रॉप। जब 2012 में उसने वापस से JEE अटेम्प्ट किया, आपको आश्चर्य होगा कि उससे फिर से सिली मिस्टेक्स हुई, यानी आपको आश्चर्य होगा कि 60 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स हुई थी। 95 लिखने के बजाय ही रोट 85, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लेने के बजाय वो इस पर हॉरिजॉन्टल ला रहा है, ले वर्टिकल रहा है, 60 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स, लेकिन आपको आश्चर्य होगा नेक्स्ट ईयर उसकी रैंक 300 के अंदर थी। अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि होता क्या है कि अगर IIT का पेपर मान लीजिए 500 मार्क्स का है, तो आप जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप हर चैप्टर उतनी शिद्दत से और हर कॉन्सेप्ट, हर छोटे से छोटे टॉपिक को उतने शिद्दत से नहीं पढ़ते, तो कई बार 500 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन कुछ 400 के आसपास की होती है। पेपर की प्रेशर सिचुएशन में आप उसमें से भी अटेम्प्ट 350 का ही कर पाते हैं, और फिर उसमें अगर आपके मान लीजिए 50 नंबर की सिली मिस्टेक्स हो जाए तो आपका स्कोर 300 पे आ जाता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि अगर आप सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार करें तो आपका कंटेंट 500 मार्क्स का होगा, आपका कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेम्प्ट मान लीजिए 480 मार्क्स का करेंगे, फिर अगर आपकी 50 नंबर की सिली मिस्टेक्स भी हो गई तो आपका स्कोर 430 होगा, एंड देट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो बेसिकली यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्टेंट डेवलपमेंट, कि आप अपने कॉन्टेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, उतनी डेप्थ तक जाएँ, छोटे से छोटे चैप्टर की बारीकियों में जाएँ, rather than getting so obsessed with silly mistakes। देखिए एक दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी ये होती है कि दे सी अदर्स, सर मेरा टेस्ट में ये स्कोर रहा लेकिन उसका स्कोर तो सर इतना ज़्यादा रहा। हमेशा हमेशा फ्रेंड्स एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, डोंट सी द वर्ल्ड। आपको लगता है सर इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई शुड सी द वर्ल्ड कि बाकी मेरा कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, बिलीव मी डोंट सी द वर्ल्ड, rather concentrate on your own abilities. You should compete with yourself. आपको क्या करना चाहिए कि पिछले टेस्ट में मेरा ये परफॉर्मेंस था, मेरी ये मिस्टेक्स रहीं, इस बार क्या मैं उसी लेवल के परफॉर्मेंस, उसी लेवल के पेपर में क्या अपना परफॉर्मेंस 10% इंक्रीज कर सकता हूँ? देखिए अगर आप सिर्फ देखने जाएंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 और कई बार ऑल इंडिया रैंक 10 के बीच में भी 15% मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो अगर ऑल इंडिया रैंक 10 वाला ये सोचने लगे कि वो तो मुझसे 15% नंबर ज़्यादा लाया है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी ऑल इंडिया रैंक 10 को भी वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज समथिंग लाइक आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने आप से कॉम्पीट करते हुए अपने टेस्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करते जाता हूँ। अदरवाइज आप अगर दूसरों को देखते रहेंगे कई बार तो वो आपको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो एक प्रोपेलिंग फैक्टर होता है कि सर मैं जब उसको पढ़ते हुए देखता हूँ या वो जिस तरह से पढ़ता है तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। इफ़ इट इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू, ग्रेट, बट इफ़ इट इज़ डीमोटिवेटिंग यू तो आप बिल्कुल मत देखिए। आप अपना पैटर्न रखिए, अपना हार्डवर्क कीजिए, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा।